अशुद्धि क्या होती है? स्टार्ट है सर। व्हाट इज एरर? त्रुटि क्या होती है, जानबूझकर या अनजाने में? किसमें हो? छुपाने का ऑब्जेक्टिव होता है या नहीं होता? त्रुटि को छुपाने का, एरर को छुपाने का ऑब्जेक्टिव होता है या नहीं होता? नहीं, इंटेंशन होता है क्या? एरर को अकाउंटेंट छुपाने का ऑब्जेक्टिव रखता है क्या, इंटेंशन रखता है क्या? तो आंसर है नहीं। अनजाने में होती तो छुपाने का इंटेंशन क्यों रखेगा? फ्रॉड में रखता है क्या? यस, फ्रॉड में रखता है। तो हम यहां पर फ्रॉड पढ़ रहे हैं या एरर पढ़ रहे हैं? एरर। तो एरर का मतलब क्या होता है बच्चों? जब अनजाने में अज्ञानतावश, लापरवाही से, कितने नाम बोले मैंने? तीन। अनजाने में, अज्ञानता से, लापरवाही से, भूल से अकाउंटिंग काम में गड़बड़ी हो जाए तो उसे हम एरर बोलते हैं। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? अनजाने में, भूल से, अज्ञानता से और लापरवाही से। अनजाने यानी नॉट नोइंगली। एक होता है भूल, भूल का मतलब क्या? ओमिशन। एक क्या? लापरवाही, नेग्लिजेंस। एक आदमी लापरवाह है एकदम, तो उसकी वजह से जो गड़बड़ी हो जाए, बताओ उसे हम क्या कहते हैं? त्रुटि। अननोनली, नेग्लिजेंस, ओमिशन, उनकी वजह से गड़बड़ी हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। एरर जो होती है उसे कब सुधारा जाता है? जब पकड़ में आ जाए। बीमारी का इलाज कब किया जाता है? जब पता चले। अब बात आती है कि हमने 8 किताबें बनाई थी। कितनी किताबें बनाई थी? क्या क्या नाम था उसका? परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, कैश बुक, जनरल प्रॉपर। टोटल कितनी बनाई थी? उसमें कौन सी किताब प्राइमरी और सेकेंडरी थी? कौन सी किताब जो थी वो प्राइमरी और सेकेंडरी थी, बताओ? आप बता सकते हो क्या ऑनलाइन? गजल। ऐसी कौन सी किताब थी जो प्राइमरी बुक भी थी और सेकेंडरी बुक भी थी, प्राथमिक वही भी थी और द्वितीयक वही भी थी, इन 8 में से? वो थी कैश बुक। कौन सी बुक थी? कैश बुक। हाँ बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। अब मेरा सवाल है, ऐसी कौन सी कैश बुक थी जिसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया जाता है? ये लिखवा रखा है मैंने। ऐसी कौन सी बुक है 8 में से जिसमें एरर को सुधारा जाता है? तो उसका नाम क्या है ऑनलाइन? उसका नाम है बच्चों जनरल प्रॉपर, प्रमुख रोज नामचा। तो बच्चों रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का काम कहाँ किया जाता है? जनरल प्रॉपर में। कहाँ किया जाता है? चाहे वो किसी भी बुक की गड़बड़ हो, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? जनरल प्रॉपर का। किसका लेना पड़ेगा? और कब सुधारी जाती है एरर? जब इसका पता चले। जब इसका क्या चले? तो लिखो कॉपी में एरर, नाम डाल दो चैप्टर का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। लिखो, जब अनजाने में अज्ञानता, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, भूल, ओमिशन, लापरवाही, नेग्लिजेंस, की वजह से, की वजह से
लेखा पुस्तकों में गड़बड़ हो जाए तो इसे एरर कहते हैं। क्या कहते हैं अगली लाइन में? एरर को अकाउंटेंट द्वारा तब सुधारा जाता है जब यह पकड़ में आ जाए। एरर इज रेक्टिफाइड व्हेन इट इज फाइंड आउट, जब यह पकड़ में आ जाए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट करके लाइन लिखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धि शोधन जनरल प्रॉपर में किया जाता है। जनरल प्रॉपर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जनरल प्रॉपर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रमुख रोजनामचा, प्रमुख रोज नामचा। कहां किया जाता है? प्रमुख रोज नामचा। ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, कौन सी बुक में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया जाता है? तो क्या नाम है? जनरल प्रॉपर। टोटल कितनी बुक्स है? 8। उनमें से कौन सी ऐसी बुक है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है? कैश बुक। कौन सी? कैश बुक। देन आगे हेडिंग लगाएंगे, टाइप्स ऑफ एरर, एरर के टाइप्स। टाइप्स ऑफ एरर किसके टाइप? एरर के टाइप। एक तो है बच्चों एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक अशुद्धियां। क्या बोलते हैं? और दूसरी एरर होती है उसको बोलते हैं क्लेरिकल एरर। इसे बोलते हैं लिपिकीय अशुद्धियां। कौन सी अशुद्धियां बोलते हैं? लिपिकीय। एक तो होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होती है लिपिकीय। जो ये लिपिकीय अशुद्धियां हैं इसके तीन पार्ट है। एक तो है एरर ऑफ कमीशन, क्या नाम है? एरर ऑफ कमीशन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिसाब की अशुद्धि। क्या बोलते हैं? हिसाब की अशुद्धि। कई लोग इसे लेख की अशुद्धि भी बोलते हैं।
लेख की अशुद्धि, कई लोग इसे विभ्रमात्मक अशुद्धि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभ्रमात्मक। कई लोग इसे गणितीय अशुद्धि भी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पर्यायवाची हैं वो इसी के हैं, एरर ऑफ कमीशन के, लेख की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, गणितीय अशुद्धि। और अगली जो लिपि की अशुद्धि है उसे बोलते हैं भूल की अशुद्धि, इंग्लिश में बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन। और हिंदी में दो नाम है, भूल की अशुद्धि, और हिंदी में एक नाम और है, लोप की अशुद्धि। लोप की अशुद्धि। बताओ क्या नाम है? लोप की अशुद्धि। अच्छा जी बच्चों, एक इधर नाम और है, कॉम्पनसेटिंग एरर। क्या नाम है? कॉम्पनसेटिंग एरर, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूरक अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि। बताओ कितनी अशुद्धियाँ हो गई मुख्य रूप से? दो। कौन कौन सी दो हो गई? एक कौन सी हो गई? लिपिकीय। लिपिकीय के कितने पार्ट हो गए? तीन। तीन पार्ट कौन कौन से हुए? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और कंपनसेटिंग। समझ गए क्या? अब हम वन बाय वन देखते हैं, क्योंकि एक एग्जाम में सवाल बनता है। इट में भी पॉसिबल कि दो बने, जिसमें एक थ्योरी का और एक प्रैक्टिकल का हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली एरर लिखेंगे सैद्धांतिक, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, बोलो क्या नाम लिखा? तो जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कि जब लेखांकन सिद्धांतों का उल्लंघन किया जाए, क्या वर्ड बोला मैंने? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वॉयलेशन किया जाए, तो उस एरर को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ये तो होगी बेसिक लैंग्वेज। अब एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है वो देखो आप। ये क्या देखा मैंने? पी एंड एल। और ये इधर क्या लिखा मैंने? बैलेंस शीट। पी एंड एल में एक्सपेंसेस साइड कौन सी होती है और इनकम साइड कौन सी होती है? एक्सपेंसेस लेफ्ट में आता है या राइट में आता है? पी एंड एल अकाउंट के कौन सी साइड में खर्चा आता है? एक्सपेंसेस को कौन सी साइड में किया जाता है, लेफ्ट में रिकॉर्ड या राइट में रिकॉर्ड? लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चों को कौन सी साइड में रिकॉर्ड किया जाता है? गजल, लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है या राइट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है? हाँ, क्या कर रहे हो? इधर खर्चे आते हैं कि इधर खर्चे आते हैं? अरे खर्चे इधर नहीं आते, डेबिट साइड में खर्चे आते हैं, क्रेडिट साइड में क्या आती है? इनकम आती है।
बताओ इधर क्या रिकॉर्ड किए जाएंगे, खर्चे, इधर क्या रिकॉर्ड की जाएगी, इनकम, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी किधर आती है, लेफ्ट में या राइट में? हाँ लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज किधर आती है, लेफ्ट में या राइट में? ये लेफ्ट है और ये राइट है, ध्यान रखना, ये लेफ्ट है और ये राइट है, अब किधर आएगी? खुद के लेफ्ट राइट में मत करो, इधर क्या आएगी? लाइबिलिटी। इधर क्या आएगा? असेट। तो बच्चों सैद्धांतिक अशुद्धि का मतलब है कि जब खर्चों को असेट मान लिया जाए या असेट को खर्चा मान लिया जाए। क्या बोला मैंने? एक्सपेंसेस को क्या मान लिया जाए या असेट को क्या मान लिया जाए? वापस से बोलो, क्या बोला? इनकम को क्या मान लिया जाए, लाइबिलिटी को क्या मान लिया जाए? जैसे एग्जाम्पल मैं पूछ दे रहा हूँ, बताना, कंप्यूटर खरीदा कहाँ आना चाहिए, एसेट में या खर्चे में? जैनित इंस्टीट्यूट ने कंप्यूटर खरीदा 1,00,000 रुपए का, बताओ कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए जैनित इंस्टीट्यूट को? लाभ हानि खाते में रिकॉर्ड करना चाहिए, बैलेंस शीट में एसेट में रिकॉर्ड करना चाहिए? कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? एसेट में। लेकिन जैनित इंस्टीट्यूट उसे गलती से लाभ हानि खाते के कौन सी साइड में डाल दे, तो ये कौन सी एरर होगी? अरे समझ गए क्या? प्रिंसिपल एरर होगी। अच्छा ये बताइए, बैंक से लोन लिया, किससे लोन लिया? 1,00,000 रुपए का बैंक से लोन लिया, बताओ वो लोन कहां पर आएगा? लोन कहां पर आएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। लेकिन आपने उसको कहां रिकॉर्ड कर दिया? इनकम में। कौन सी एरर है ये? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एरर में क्या होता है? या तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये बताया, कंप्यूटर को क्या मान लिया, खर्चा। दूसरा एग्जांपल ये है कि आप एक नई मशीन खरीदते हो, क्या खरीदते हो? तो लाने में जो फ्रेट लगता है, लाने में जो भाड़ा लगता है, और इंस्टॉल करने में, स्थापित करने में जो मजदूरी लगती है, मैंने पढ़ा रखा है कई बार, कहाँ पर रिकॉर्ड होता है वो? एक्सपेंसेस में नहीं होता, मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। जब भी आप नई मशीन खरीदते हो और उसको लाने में फ्रेट और इंस्टॉल करने में जो वेजेस लगती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और असेट की कॉस्ट में ऐड होता है। किसमें ऐड होता है? असेट की कॉस्ट में। तो मुझे बताइए, जब यहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, जैसे 1,00,000 का एसेट है, 10,000 का भाड़ा है, 10,000 का इंस्टॉलेशन वेजेज है, तो टोटल असेट कितने की रिकॉर्ड होनी चाहिए? 1,20,000। लेकिन आपने गलती से केवल 1,00,000 ही यहाँ रिकॉर्ड किया और 10,000 का भाड़ा और 10,000 का इंस्टॉलेशन यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये कौन सी एरर कहलाएगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि आपने खर्चे को कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, एसेट को कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, खर्चे में। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक सेकंड हैंड एसेट खरीदते हो, क्या खरीदते हो? तो उस पर आपको मैंने लिखवा रखा है कि फर्स्ट रिपेयर, क्या वर्ड लिखवा रखा है, कहाँ पर ऐड होना चाहिए? असेट की कॉस्ट में। और आपने गलती से उसे रिपेयर मानकर कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? खर्चे में। दिस इज ऑल्सो एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एरर में क्या होता है? या खर्चे को असेट मान लिया जाता है। वापस से बोलो क्या? या खर्चे को असेट। दूसरा क्या बोला? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब देंगे। बाबू से 500 रुपये बैड डेट रिकवर के प्राप्त हुए, किससे? बाबू से। कितने रुपए? 500 रुपये। किसके प्राप्त हुए? बैड डेट के नहीं, बैड डेट रिकवर्ड के। एंट्री क्या होगी? कैश आया या कैश गया? कैश को क्या करेंगे, डीआर या सीआर? एंट्री बोलो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बाबू करेंगे या टू बैड डेट रिकवर्ड करेंगे? बैड डेट रिकवर्ड। यानी आपको 500 रुपए इनकम में बताने चाहिए, बैड डेट रिकवर्ड। लेकिन यदि आपने बाबू को क्रेडिट कर दिया तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। क्या है ये? एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि आपने इनकम वाले आइटम को कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? लाइबिलिटी साइड में, बाबू को क्रेडिट मार दिया। अरे समझे क्या? कौन सी एरर? क्या होता है इसमें? को
क्वेश्चन कह रहा हूँ, जवाब देना। कंप्यूटर को फर्नीचर खाते में रिकॉर्ड कर दिया, क्या बोला मैंने? कंप्यूटर को कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? क्या ये प्रिंसिपल एरर है? कंप्यूटर कहाँ आता है? एसेट में। कंप्यूटर कहाँ आता है? एसेट में। फर्नीचर कहाँ आता है? तो दोनों ही एसेट में आते हैं, तो कहाँ से हो गई प्रिंसिपल? अरे यार, मैंने बोला क्या? एसेट का एसेट में जाता है। मैंने क्या बोला? एसेट का कहाँ जाता है? खर्चे में। मैंने कहाँ बोला फिक्स्ड का करंट या करंट का फिक्स्ड? बोला क्या? तो फिर कैसे इमोशनल हो रहे हो? नहीं होता। इनवर्ड फ्रेट को आउटवर्ड फ्रेट मान लिया, क्या बोला मैंने? इनवर्ड को आउटवर्ड, खरीद के लाने में भाड़ा लगा, उसको बेचने में लगा भाड़ा मान लिया, क्या ये प्रिंसिपल एरर है? इनवर्ड फ्रेट कहाँ आता है? ट्रेडिंग पी एंडल में। आउटवर्ड फ्रेट कहाँ आता है? ट्रेडिंग पी एंडल में। तो कहाँ से होगी? ध्यान रखना, प्रिंसिपल केवल तभी होगी जब यहां से यहां चला जाए। अरे समझ गए क्या? वापस से बोलो, क्या बोला? या एक्सपेंसेस से, या फिर क्या बोला? या लाइबिलिटी से इनकम। छलांग प्रॉपर होनी चाहिए। अरब की खाड़ी से कूद के बंगाल की खाड़ी में पड़ना चाहिए। यदि अरब की खाड़ी से उधर का उधर लोकली कूद गया, वो नहीं है। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? खर्चे को एसेट को, इनकम को लाइबिलिटी को, समझे क्या? चलो एक और पूछ रहा हूँ। गुड्स परचेज किया, क्या किया? रामू से गुड्स परचेज किया, बट एंट्री कर दी रामू को गुड्स सेल किया। एंट्री क्या करनी चाहिए थी? रामू से परचेज किया, एंट्री क्या कर दी? क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? अरे है या नहीं है? रामू से गुड्स परचेज किया, उसकी जगह रामू को गुड्स सेल किया, ये एंट्री कर दी, है या नहीं है? क्यों नहीं है? वो एक्सपेंसेस का इनकम वाला हो गया। वो छलांग तो इधर की इधर, इधर की इधर है, उससे हमको क्या मतलब? हमको तो छलांग बिल्कुल सटीक लेनी है। दिमाग लगाना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी एग्जाम में। एग्जाम में जो बच्चे रोते चीखते पुकारते हैं, वो यही है कि इन दोनों में अंतर ही नहीं कर पाते हो। जो अभी मैं ये जो नहीं 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 बोले जा रहा हूँ ना, वो ये वाली एरर है। कौन सी वाली एरर है? हाँ, कंप्यूटर का फर्नीचर में डाल दिया, फर्नीचर का कंप्यूटर में डाल दिया, आवक भाड़े को जावक भाड़े में डाल दिया, परचेज का सेल मान लिया, ये सब ये वाली एरर है। खाता गलत होना चाहिए, लेकिन खाता इतना खतरनाक गलत होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ छलांग, यहाँ से यहाँ छलांग, यहाँ से यहाँ छलांग और यहाँ से यहाँ छलांग। सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना। रामू को माल बेचा और एंट्री रामा की किताब में कर दी, किसको माल बेचा? रामू को। और रिकॉर्ड किसका नाम कर दिया? रामा को। है क्या ये प्रिंसिपल एरर? क्यों नहीं है? क्योंकि रामू भी कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में। और रामा भी कहां आएगा? बैलेंस शीट में। छलांग लगनी जरूरी है, और वो भी टेडी। एक्सपेंसेस का कहां पर? एसेट का कहां पर? इनकम का कहां पर? लाइबिलिटी का कहां पर? अदरवाइज वो सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है। गजल समझ में आ गया? ये वाला पार्ट ठीक है, लिखो आप सैद्धांतिक में। जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस को आयगत व्यय को ब्रैकेट में लिख दो, पी एंड एल के खर्चे को ब्रैकेट बंद, कैपिटल एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में असेट,
मान लिया जाए, मान लिया जाए, या इसका उल्टा, या इसका उल्टा, अथवा इनकम को लायबिलिटी मान लिया जाए, इनकम को लायबिलिटी मान लिया जाए, या इसका उल्टा, तो इसे सैद्धांतिक अशुद्धि कहते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। बोर्ड पे देखिए, एक्सपेंसेस का नेचर डीआर होता है या सीआर? एसेट का डीआर। तो यहाँ डीआर वाला आइटम क्या रहता है? डीआर। इनकम का नेचर क्या होता है? लायबिलिटी का। तो डीआर वाला आइटम क्या रहता है? डीआर। सीआर वाला आइटम क्या रहता है? सीआर। वापस से बोलो क्या? इस वजह से ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक बार वापस से बोलो क्या बोला? इस एरर में डीआर वाला आइटम क्या रहता है? डीआर। सीआर वाला आइटम क्या रहता है? सीआर। इस वजह से किसको प्रभावित नहीं करता? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस विल बी मैच। यदि ये एरर है तो भी ट्रायल बैलेंस क्या खा जाएगा? मैच खा जाएगा। क्यों खा जाएगा मैच? क्योंकि डीआर वाला आइटम क्या है? डीआर। सीआर वाला आइटम क्या है? सीआर। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो दोनों साइडों का मैच ही तो होता है। तो लिख लेंगे, इस एरर में डेबिट साइड वाला आइटम क्रेडिट रहता है। वापस से बोलो क्या बोला मैंने? इस एरर में डेबिट साइड वाला आइटम क्या रहता है? डेबिट। और क्रेडिट साइड वाला आइटम क्या रहता है? क्रेडिट रहता है। अतः ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती है। परंतु इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रभावित होता है। परंतु इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्टेड होता है। कौन सा अकाउंट इफेक्टेड होता है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्टेड होता है। क्लियर है? कौन सा अकाउंट इफेक्टेड होता है? पी एंड एल अकाउंट। क्या होता है? इफेक्टेड। किससे? सैद्धांतिक अशुद्धि से। अरे क्लियर है? ठीक है बच्चों। देन उसके बाद में एग्जांपल लिखो इसके। किसकी एग्जाम्पल? सैद्धांतिक अशुद्धि की।
पहला नई संपत्ति खरीदने पर, न्यू एसेट खरीदने पर, खरीदने के समय, नई एसेट खरीदने के समय आवक भाड़ा, इनवर्ड फ्रेट, नई एसेट खरीदने के समय आवक भाड़ा, इनवर्ड फ्रेट कॉमा इंस्टॉलेशन वेजेस, स्थापना मजदूरी, इंस्टॉलेशन वेजेस, स्थापना मजदूरी चुकाई गई, ठीक है। बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा इनका, दोनों खर्चों का एसेट में ऐड होंगे, यानी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कहाँ पर शो होंगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। परंतु गलती से हम इन्हें कहाँ रिकॉर्ड कर दें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में। तो चुकाई, और गलती से इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस साइड में रिकॉर्ड कर दिया, एक्सपेंसेस साइड में रिकॉर्ड कर दिया। लिख लिया। दूसरा एग्जांपल लिखो, सेकंड हैंड असेट खरीदी, पुरानी असेट परचेज की खरीदी, और इस पर पहला रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, और इस पर क्या किया? रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं, पहला रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया, फर्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बच्चों इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस का? कैपिटलाइज होना चाहिए, असेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। परंतु गलती से इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया गया, लिखा। तीसरा लिखो इंपॉर्टेंट करके, यही आने के चांस है एग्जाम में। राहुल गांधी से 2000 रुपए बैड डेट रिकवर्ड के प्राप्त हुए, बैड डेट रिकवर्ड के प्राप्त हुए, और इसे इनकम न मानकर राहुल गांधी के व्यक्तिगत खाते में
क्रेडिट कर दिया गया? अरे ठीक है बच्चों, कितने एग्जाम्पल हो गए? पहला क्या बताया? नई संपत्ति खरीदी, उसमें क्या चुकाया? आवक भाड़ा। बताओ वो कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए था? आपने क्या मान लिया? सेकेंड हैंड में पहला रिपेयर कहाँ जाना चाहिए था? कहाँ रिकॉर्ड हो गया? थर्ड वाले में इनकम मानना चाहिए था, कहाँ रिकॉर्ड हो गया? राहुल गांधी के खाते में क्रेडिट हो गया। तो बच्चों ये कौन सी अशुद्धियाँ हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब दें। डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या क्या बोला मैंने? डिस्काउंट अलाउड खर्चा है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। यदि डिस्काउंट अलाउड को डिस्काउंट रिसीव्ड मान लिया जाए तो क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सपेंसेस से कहाँ गया? इनकम में। इनकम में कहाँ गया? समझ गए क्या? इंटरेस्ट पेड को इंटरेस्ट रिसीव्ड मान लिया जाए, किसको क्या मान लिया जाए? क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? परचेज रिटर्न को सेल मान लिया जाए, क्या बोला मैंने? क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है? परचेज रिटर्न को क्या मान लिया? सेल। बताओ परचेज रिटर्न भी कहाँ आता है? ट्रेडिंग में। और सेल भी कहाँ आता है? ट्रेडिंग में। है ही नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग रखना वरना सत्यानाश हो जाएगा। आप लगा के देख लेना कि यहाँ का आइटम यहाँ और यहाँ का आइटम यहाँ जा रहा है या नहीं। यदि ये नहीं है तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं होगा। अरे क्लियर है? क्या इसमें ट्रायल बैलेंस प्रभावित होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, डेबिट वाला आइटम क्या रहता है? डेबिट। क्रेडिट वाला आइटम क्या रहता है? क्रेडिट। इस कारण से ट्रायल बैलेंस प्रभावित। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना क्या इस एरर से सस्पेंस अकाउंट बनेगा, खुलेगा या नहीं? संशय खाता खुलेगा या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। दो ऑप्शन है, आ मत बोलना। हाँ या ना? नहीं। कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में? बोलो। नहीं होगा। ऑनलाइन आंसर है, नहीं होगा। बच्चों ये होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में कितने साइड होते हैं? कौन कौन सी मुझे बताओ। अभी अभी मैंने बोला, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि इस एरर में डेबिट वाला आइटम क्या रहता है, क्रेडिट वाला आइटम क्या रहता है, और ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है या नहीं करती? तो नहीं करती है, तो सस्पेंस खुलेगा क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस जब मैच हो गया तो सस्पेंस क्यों खुलेगा? लेकिन क्या इससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्टेड होगा क्या? वो तो दबा के होगा भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रभावित होगा क्या? होगा। अब थोड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा इस एरर से? ऑनलाइन गजल, इस एरर से प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होगा? कम होगा। वेरी गुड, दोनों हो सकते हैं। मुझे बताओ खर्चा बढ़ाने पर प्रॉफिट क्या होता है? खर्चा बढ़ाने पर प्रॉफिट कम होता है, खर्चा कम होने पर प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम बढ़ाने पर ज़्यादा होता है, इनकम कम करने पर। तो इससे दोनों काम हो सकते हैं, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कौन सी एरर पूरी हुई? प्रिंसिपल। कितनी तरह की एरर होती है? कौन कौन सी? हाँ वो तो शुक्र है, प्रिंसिपल और एक हेडमास्टर। एक तो प्रिंसिपल एरर और एक दूसरी हेडमास्टर।
फिर एक पीटीआई की एरर। अब लिखो दूसरी, एरर ऑफ कमीशन। घर पे पढ़ती नहीं हो महिमा है? कॉलेज जा रही हो? तो फिर पुराना बैकलॉग याद करो तभी मजेदारी। बताओ ये क्या लिखा मैंने, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिसाब। इसके अलावा इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? और क्या, और क्या? विभ्रमात्मक। कसर इसका मतलब क्या, जो बार 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 मैं आपको बता रहा था वो वही है। कसर बार 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 आप कौन सी बता रहे थे? खाते का नाम बदल दिया। क्या बोला मैंने? खाते का नाम बदल दिया, खाते का पक्ष बदल दिया। वापस से बोलो क्या बोला मैंने? परचेज का परचेज रिटर्न, सेल का सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न का सेल, सेल का परचेज रिटर्न, या पक्ष बदल दिया। पक्ष बदलने का मतलब क्या, डेबिट वाला आइटम क्रेडिट, क्रेडिट वाला आइटम टोटल में गड़बड़ हो गई, बैलेंस में गड़बड़ हो गई, ब्रॉड फॉरवर्ड में गड़बड़ हो गई, कैरी फॉरवर्ड में गलत हो गई। सारी की सारी गड़बड़ कौन सी अशुद्धि कहलाती है? हिसाब। लेकिन भूल कर भी ये वाली अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। कौन सी वाली? खर्चे को क्या मान लिया, एसेट को क्या मान लिया, लाइबिलिटी को इनकम, इनकम को लोकल छलांग लगे, यूं लोकल छलांग लगे, यूं इधर से इधर छलांग लगा लो, इधर से इधर छलांग लगा लो, एसेट से एसेट में छलांग लगा लो, लाइबिलिटी से लाइबिलिटी में छलांग लगा लो, एसेट से लाइबिलिटी में लगा लो, लाइबिलिटी से एसेट में लगा लो। लेकिन वो छलांग नहीं चाहिए भारत ऑस्ट्रेलिया वाली। खर्चे को क्या मान लो, असेट, असेट को क्या मान लो, खर्चा, लायबिलिटी को क्या मान लो, इनकम, इनकम को क्या मान लो, लिखो, जब गलत खाते में एंट्री हो जाए, गलत खाते में एंट्री हो जाए क्या वर्ड बोला, किसमें एंट्री हो जाए, गलत खाते में, कॉमा, गलत पक्ष में एंट्री हो जाए, कॉमा, गलत राशि से एंट्री हो जाए, कॉमा, गलत शेष निकाला जाए, कॉमा, गलत ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड हो, गलत क्या बोला मैंने, ब्रॉड फॉरवर्ड और कैरी फॉरवर्ड हो, गलत शेष आगे ले जाना, गलत बैलेंस निकालना, कॉमा, अंकों का फेरबदल हो, अंकों का फेरबदल, चेंजेस इन मैथमेटिकल डेटा। तो इसे हिसाब की अशुद्धि कहा जाता है। वापस से बोलो क्या क्या बोला, गलत खाते में एंट्री हो, गलत पक्ष में एंट्री हो, गलत राशि से एंट्री हो, गलत शेष निकाला जाए, कैरी फॉरवर्ड हो, और क्या, एग्जांपल लिखो।
दीपक के खाते की जगह, मेरा खुद का ही नाम लिखा रहा हूं, दीपक के खाते की जगह दीपिका के खाते में एंट्री हो जाए, दीपक के खाते की जगह दीपिका के खाते में एंट्री हो जाए, लिख लिया। नंबर टू, दीपक के खाते को 2000 डेबिट करने की जगह, दीपक के खाते को 2000 रुपए डेबिट करने की जगह दो हजार से क्रेडिट किया जाए बोलो कितने से डेबिट करवाया मैंने? 200 से डेबिट करने की बजाय 2000 से डेबिट करने की बजाय 200 से डेबिट या 2000 से क्या क्रेडिट। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न खाते के स्थान पर सेल में एंट्री रिकॉर्ड की जाए, नेक्स्ट परचेज खाते का टोटल कम अथवा ज्यादा लगाया जाए, परचेज खाते का टोटल कम अथवा ज्यादा लगाया जाए, नेक्स्ट दीपक के खाते का शेष गलत निकाला जाए, दीपक के खाते का शेष गलत निकाला जाए, या गलत पक्ष में ब्रॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड किया जाए, या गलत पक्ष में ब्रॉट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड किया जाए, लिखा। नेक्स्ट, इस अशुद्धि से ट्रायल बैलेंस प्रभावित हो भी सकता है और नहीं भी, इस अशुद्धि से ट्रायल बैलेंस प्रभावित हो भी सकता है और नहीं भी, कौन सी अशुद्धि से? ट्रायल बैलेंस क्या हो सकता है? प्रभावित हो भी सकता है और, ठीक है, तो मुझे बताइए परचेज बुक का परचेज रिटर्न बुक में एंट्री हो जाए तो वो कौन सी अशुद्धि है? कमीशन। टोटल कम ज्यादा लग जाए वो सैलरी की जगह वेजेज में रिकॉर्ड हो जाए तो, सैलरी की जगह वेजेज में रिकॉर्ड हो जाए तो, हाँ सैलरी कहाँ आती है और वेजेस कहाँ आती है? दोनों ही ट्रेडिंग पीएनएल में आती है। मैंने ये थोड़ी कहा मशीन को स्थापित करने की वेजेस, सैलरी और वेजेस दोनों कहाँ आती है? ट्रेडिंग पीएनएल में ही आती है। रामलाल की जगह राम बाबू के खाते में एंट्री हो जाए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि एरर ऑफ
कमीशन राम लाल की जगह राम बाबू में हो जाए तो कमीशन ही होगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ आ रहे हैं, एसेट में। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो इसमें, क्या करो, शाम को मूंगफली खाओ और याद करो बादाम के साथ। बताओ कितनी तरह की एरर हो गई, दो। एक और एरर होती है बच्चों, जिसका नाम है एरर ऑफ कमीशन, सॉरी ओमिशन। ओमिशन जैसा कि नाम से आपको पता है क्या होता है इसमें, जब कोई एंट्री करना भूल जाए। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने, जब कोई एंट्री करना, तो वह कौन सी अशुद्धि कहलाती है, भूल की अशुद्धि। कौन सी अशुद्धि, और इसमें दो तरह की एरर होती है, एक तो होती है पार्शियल ओमिशन और एक होती है फुल ओमिशन। एक तो कौन सी होती है, अर्ध भूल, और एक होती है पूर्ण भूल। पार्शियल ओमिशन का मतलब है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो कितने खाते प्रभावित होते हैं, दो, तो एक जगह एंट्री हो जाए और एक जगह एंट्री, तो वो होती है पार्शियल ओमिशन। और एक एंट्री ही ना हो तो वो कौन सी एरर कहलाती है, फुल ओमिशन। तो कितनी ओमिशन होती है, एक तो कौन सी होती है, अर्ध भूल, और एक कौन सी होती है, पूर्ण भूल। पूरी एंट्री भूल जाए वो कौन सी है, और एक जगह भूल जाए वो कौन सी है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कौन सी एरर में ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो है ही, इस वाली में, पार्शियल और फुल में कौन सी में ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होगा, फुल वाली में या पार्शियल वाली में। क्योंकि बच्चों पूरी एंट्री भूल जाए तो ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होगा, पार्शियल में ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड हो जाएगा। तो बताओ ओमिशन वाली एरर कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी, पार्शियल और फुल।